30,000 से भी कम में शुरू करें यह कारोबार, हर महीने होगी 3 लाख की कमाई, है कैसे हो सकता है? तो चौंकिए मत दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसे देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल मिस्टीरियस स्टॉक में। अगर आप कम पैसों में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। इस बिजनेस को आप 30,000 से भी कम रकम में शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस पर सरकार 50% सब्सिडी भी देती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल लोग मोती की खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी की खेती करके लोग लखपति बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस खेती के बारे में, इसे कैसे करते हैं और इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाते हैं। मोती की खेती के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो है तालाब, दूसरे नंबर पर सीप जिसमें मोती तैयार होता है, और तीसरा होता है ट्रेनिंग। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत आपको होगी इस मोती खेती करने के लिए। तालाब चाहे तो आप खुद के खर्च पर खुदवा सकते हैं या सरकार भी 50% सब्सिडी दे सकती है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। सीप भारत के कई राज्यों में मिलते हैं, हालांकि दक्षिण भारत और बिहार के दरभंगा में सीप की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए देश में कई संसाधन भी बनाए गए हैं। एमपी, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और मुंबई से मोती की खेती के लिए ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने कई ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए हैं। पहले सीपों को एक जाल में बांधकर 15 से 20 दिनों के लिए तालाब में डाल दिया जाता है, ताकि सीप अपने मुताबिक एनवायरनमेंट बना सकें। इसके बाद उन्हें बाहर निकालकर उनकी सर्जरी की जाती है, यानी सीप के अंदर एक पार्टिकल या सांचा डाल दिया जाता है। इसी सांचे पर कोटिंग के बाद सीप लेयर बनाते हैं, जो आगे चलकर मोती बनता है। जी हाँ दोस्तों, एक सीप के तैयार होने में 25 से 30 रुपये का खर्च आता है, जबकि तैयार होने के बाद एक सीप से 2 मोती निकलते हैं और एक मोती 200 से 300 रुपये में बिकता है। अगर आपका मोती की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हुई तो उसके दाम भी अच्छे होंगे, क्योंकि हर मोती की क्वालिटी पर उसके दाम डिपेंड करते हैं। अगर आप 1 एकड़ के तालाब में 25,000 सीपियाँ डालें तो इस पर करीब 8 लाख तक का खर्चा आता है। मान लें तैयार होने के दौरान कुछ सीपियाँ बर्बाद भी हो गई तो 50% से ज़्यादा सीपियाँ सुरक्षित निकलती हैं। इससे 30 लाख सालाना कमाई हो सकती है। इस सीप के बिजनेस से कई लोग लखपति बन चुके हैं। क्या आप भी इसे करना चाहोगे? अगर करना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।